रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के बाद चर्चा गर्म है कि बीजेपी देश में दलित वोट बैंक पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है। हमारे संवाददाता रमन ममगई ने इस बारे में केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले से बात की। आज कितने ही रामनाथ कोविंद बारिश में भीग रहे हैं, मैं परोग गांव का कोविंद उनसे कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रपति भवन उनका प्रतिनिधि बनकर जा रहा हूं। ये रामनाथ कोविंद जी के शब्द थे। मेरे साथ रामदास अठावले साहब हैं। सर, जब एक आदमी एकदम ज़मीन से उठकर इतने ऊपर उच्च पद पर पहुंच जाता है तो क्या ज़मीन से जुड़े लोगों पर वाकई में कुछ असर पड़ता है? मुझे लगता है जो आदमी ज़मीन का जो आदमी है वो अगर बहुत बड़े पद पर जाता है तो ज़मीन नहीं छोड़ता है। जिस तरह रामनाथ कोविंद जी ज़मीन से आए, गरीब फैमिली से आए, पढ़ाई की, एडवोकेट बने, राज्यसभा में आए, बिहार के गवर्नर बने और डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने उनको ऐसे पद पर पहुंचा कि जहां पहुंचना बहुत बड़ा मुश्किल था। और हमारे दलित समाज के एक उम्मीदवार को, एक व्यक्ति को, मतलब जो व्यक्ति सुधरी है, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, बहुत सीधे साधे है, ऐसे आदमी को एकदम अचानक इतना बड़ा पद मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। सर, वंचित समुदाय के साथ आप भी जुड़े रहे, काम करते रहे, दो घटनाएं हुई हैं। एक तो मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया कि दलित हितों के नाम पे, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित चेहरा राष्ट्रपति पद के लिए उठाया। क्या ये दलित राजनीति में कुछ असर डालती हैं ये चीज़ें? मुझे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इमेज साफ करने का काम किया है, जिस तरह हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये दलित विरोधी पार्टी इसी तरह की बयानबाजी हमेशा होती रही, कांग्रेस पार्टी एलिगेशन करती रही, मायावती आरोप प्रत्यारोप करती रही, लेकिन मैंने कल ही हाउस मायावती जी के पार्टियों को मैंने सवाल पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी थी तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनने का मौका आपको मिला था, तब वो पार्टी दलित विरोधी नहीं थी क्या? सर, एक आखिरी सवाल, जब इस तरह की योजनाएं बनती हैं, भीम ऐप की बनती है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात होती है बड़ी बड़ी, तो क्या नेताओं के दिमाग में दलित वोट बैंक होता है या वाकई में भलाई होती है? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें तो भलाई होती है, लेकिन उस भलाई के माध्यम से वोट बैंक भी होती है। अगर राजनीति करनी है तो जिस समाज से अपन आते हैं उस समाज के लिए हम भी काम करते हैं, जिस समाज से हम आते नहीं है उस समाज के लिए भी हम काम करते हैं। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि भले ही बात वोट की हो या किसी भी चीज़ की हो, योजनाओं का फायदा देश के आखिरी आदमी तक पहुंचे। रमन ममगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।